मैंने राधा के कक्ष में भी देखा और रसोई घर में भी, वो कहीं नहीं है। राधा ने नियम तोड़ा, इस चौखट को लांग कर बाहर चली गई और वो भी रात्रि के समय कृष्ण से मिलने। राधा की ये भूल, ये हमारे लिए स्वर्णिम अवसर है। अब राधा इस घर में कभी प्रवेश नहीं करेगी, इस द्वार के बाहर से सदा के लिए इस घर से निकाल दी जाएगी। हमारे प्रेम में बंधन वो डाल रहे हैं जो इस प्रेम की अनंतता को समझते ही नहीं, वो केवल अपनी अज्ञानता में आकर ऐसा कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ मैं कैसे और क्यों इन बंधनों को मानूं। कृष्ण अब कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं, अब ना भय होगा, ना क्रोध, ना मोह, ना ईर्ष्या और ना ही अहंकार। अब होगा तो केवल प्रेम होगा, अनंत अथाह अखंड प्रेम, वैसा ही जैसा तुम कहते आए हो कृष्ण, किंतु मैं समझ आज पाई। सोच भी नहीं सकती मैं किस क्षण की कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो राधे मेरी। और आज जब ये क्षण आया तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ जिसकी प्रतीक्षा परिपूर्ण रूप से साकार हुई है। प्रीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो। तो कहिए कहाँ मिलना चाहेंगी आप, निधि वन में, रास वन में या वन में? कहिए कैसे मिलना चाहेंगी आप, अकेले मिलना चाहेंगी या कल हाट में सबके समक्ष मिलना चाहेंगी, बताइए। जहाँ तुम कहो कृष्ण। देख लो, सोच लो, मैं बोल रहा हूँ। हाट में यदि सबके समक्ष मिलोगी तो कदाचित तुम्हें थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो इन कठिनाइयों को प्रेम दूर करेगा, मुझे विश्वास है कृष्ण। ठीक है, तो हम कल हाट में ही मिलेंगे। तुम सबका अंत करूंगा। शीघ्र ही कृष्ण आपका अंत करेगा महाराज। महाराज, आज तक आपने मेरे हर परामर्श का पालन किया है, इसलिए मैं आपको आज अंतिम परामर्श देने आया हूं। कृष्ण को मारने का विचार त्याग दीजिए, वो दिव्य है। आपकी समस्त शक्तियां उसके सामने व्यर्थ। नहीं, तुमने सत्य ही कहा था क्रो, मेरे इन भाइयों को मारकर मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा, अभी तो ये तुम्हें सहायता ही करेंगे। यदि मुझे किसी को मारना है तो वो तुम। अक्रूर को लोहे की बेड़ियों से बांधकर हर क्षण मेरी आंखों के सामने रखना, ताकि मुझे उस शिष्ट को मारने की प्रेरणा मिलती रहे। देखो 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 देखो, कितनी सुखद पवन है काना।
इससे तो स्पष्ट होता है कि राधा कृष्ण के मिलन से ये प्रकृति भी अत्यंत उत्साहित है। आपको ज्ञात है ये पवन कह क्या रही है? क्या कह रही? ये कह रही है कि अब आगे बढ़ने का, अब अपना अवतार कार्य करने का, अब वृंदावन को सदा सदा के लिए छोड़ने का समय आने वाला है। क्यों कान्हा, क्यों करेंगे हम ऐसा? और कहां जाएंगे हम वृंदावन को छोड़कर? कहो कान्हा, कहो। इसका उत्तर आपको समय देखा था। मैं तो बस आपको, स्वयं को इस कार्य के लिए सज्ज कर रहा हूं। काना कहो तो, हमारा बरसाना छोड़कर जाना आवश्यक क्यों है? हम यहाँ रहकर भी तो सारे कार्य कर ही सकते हैं ना। काना कहो। क्या? मैं यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पूछ रहा हूँ ना, और तुम यहाँ पर क्या, यहाँ वहाँ क्या क्या ढूंढ क्या रहे हो? किसे खोज रहे हो? मुझे बताने दो ना, मैं राधा को खोज रहा हूँ। और तुम यहाँ हार्ट के बीचों बीच एक साथ मिलोगे? सुना सुना गांव वाला, सुना गांव वाला। भाई 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 भाई, कहाँ 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 जा रहे हैं? तुमने सुना नहीं, राधा ने बताया है कि एक बड़े सिद्ध बाबा आने वाले हैं। सुना है उनकी भविष्यवाणी कभी झूठ नहीं होती। चलो चलो गांव वाला, चलो चलो तुम सब चलो। वाह भाई वाह, देखते देखते सारा हार्ट ही रिक्त हो गया। ये सब हो क्या रहा है काना? राधा ने किया है, उससे पूछो। राधा, ये सब कर क्या रही हो तुम? और ये कौन बाबा हैं जो जो आए हुए हैं? कौन? दाऊ, कृष्ण से मिलना था ना, तो प्रेम को तो अपना समाधान खोजना ही था। अरे यहाँ प्रेम हो रहा है, वहाँ जब लोगों को कोई बाबा बाबा नहीं दिखेंगे तब क्या होगा, वो सोचा है? वहाँ बाबा अवश्य होंगे दाऊ। कौन बाबा? बल बाबा। बल बाबा? ऐसे तो किसी बाबा का नाम नहीं सुना मैंने। बल बाबा, बल बाबा। मैं और बाबा, बल बाबा आप ही हो। ये अनुज। अच्छा दाऊ, अब आप शीघ्र जाइए, वहाँ बल बाबा नहीं पहुँचे तो मेरी बात झूठी पड़ जाएगी। नहीं 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 नहीं, तुम चिंता मत करो राधा, तुम्हारे दाऊ के होते हुए तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं जाने दूंगा। मैं जाता हूँ। मैं अहम ब्रह्मास्मि। माँ, राधा घर में क्यों नहीं है? नियमानुसार तो उसे इस घर की चौखट भी नहीं लांगनी चाहिए। पता नहीं प्रातः काल में भोजन कराते समय तुम्हारे बाबा को कौन सी पट्टी पढ़ाई उसने, कि उन्होंने स्वयं ही उसे कहीं भेज दिया। उसे छोड़ो, उसे तो मैं बाद में देख लूंगी। तुम मेरी बात सुनो, एक महत्वपूर्ण बात करनी है। सुना है गाँव में एक सिद्ध पुरुष आए हैं, एक बाबा, बहुत तेजस्वी है, उनकी बात कभी झूठ नहीं निकलती। आयन हमारा समय बुरा चल रहा है, उनके पास चलते हैं, कदाचित वही हमें कोई उपाय बता दे। चले। उचित है। चलो। क्या किया तुमने? इतना परिश्रम से बनाया था, तोड़ दिया। यही सिखाना चाहते थे ना तुम मुझे, जब हम पहली बार हार्ट में मिले थे।
बोलते कौन हो मुझे मेरे अपुन गिनाने वाले? बता नहीं सकता, स्मरण दिलाने में समय लगेगा। कितने धैर्य और यत्नों के साथ तुमने मेरे सभी अवगुणों को अपने प्रेम से गुणों में परिवर्तित कर दिया। कृष्ण, मैंने दिव्यता को तो अनुभव कर लिया, किंतु कृष्ण होने का अनुभव नहीं किया। मेरा मन करता है कि मैं एक बार ही सही कृष्ण होना अनुभव करूं, उसका जीवन कैसा है ये अनुभव करूं, किंतु ये तो संभव ही नहीं है। ऐसे कैसे संभव नहीं है? यदि राधा चाहती है तो वह संभव अवश्य होगा। उपहास मत करो कृष्ण, भला ऐसा कैसा हो सकता है? मैं तुम्हारा जीवन कैसे अनुभव कर सकती हूँ? केवल तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हारा जीवन अनुभव करूंगा। ये कैसी माया रचने वाले हो तुम? नहीं नहीं, माया नहीं, वास्तविक, ये सब वास्तविक रूप से संभव होगा। तो बताओ तो कैसे? अरे प्रतीक्षा करो, मैं क्यों बताऊं जब मैं करके दिखा सकता हूँ। कल तुम्हें स्वयं ये सब करके दिखाऊंगा। अच्छा, वैसे ये प्रतीक्षा होगी तो बड़ी कठिन, किंतु कल तक तो कर ही सकती हूँ। अरे बल बाबा ने कहा मुझे बहुत स्वर्ण मिलने वाला है और शीघ्र ही मेरा विवाह होने वाला है और मेरी संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण होगी। ये बाबा है या भगवान जो सबके स्वप्न पूरे करते फिर रहा है? अगला कौन है भाई? अब आएगा आनंद। बाबा कृपया मेरे पुत्र का भविष्य बता दीजिए। ए मूर्ख बालक, खड़ा क्या है? चल बलवा बागो प्रणाम कर, चल। आयन, जाओ जाके बाबा को प्रणाम करो। प्रणाम। ये क्या है? प्रणाम ऐसे किया जाता है? कमर में पीड़ा हो रही है, लिप लगा दो, झुक नहीं सकते। चलो झुक कर प्रणाम करो। अच्छे से चरण स्पर्श करो पुत्र। प्रणाम। अब यदि साष्टांग प्रणाम करोगे तो एक ऐसी भविष्यवाणी करूंगा जो सर्वथा सत्य 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 होगे। साष्टांग प्रणाम करो अयन। क्या हुआ? चलो साष्टांग प्रणाम करो। चलो लाओ भाई, अब अपना हाथ दिखाओ, भविष्य देखना है ना। बाबा हाथ देख रहे हो या हाथ तोड़ रहे हो? स्वयं को योद्धा बताते फिरते हो किंतु योद्धा हो नहीं, ना योद्धा जैसे कोई गुण है तुम में। तुम तो बड़े ही कोमल हो भाई। है बाबा कृपया मेरे पुत्र का भविष्य बता दीजिए। हाँ भविष्य ही तो देख रहा हूँ। देखो बालक, सर्वप्रथम तो तुम ये व्यर्थ के प्रपंच और षड्यंत्रों से दूर रहो, सारे बुरे कर्मों पर अंकुश लगा दो इसी क्षण, अन्यथा तुम्हारा भविष्य काला 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 है। ये क्या व्यर्थ की बातें कर रहे हैं? देखो बालक, किसी और के लिए मेरी भविष्यवाणी सत्य हो अन्यथा ना हो, किंतु तुम्हारे लिए मेरी भविष्यवाणी अखंड है, सर्वथा सत्य है। यदि शीघ्र अति शीघ्र तुमने अपने दुष्कर्म नहीं छोड़े ना, तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय और काला 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 है। अरे पाखंडी है ये। है?
अगला कौन है? अगला 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 मैं बल बाबा अच्छा अब आप सभी यहाँ से प्रस्थान कीजिए अपने अपने घर के लिए। अब मेरे प्रभु की सेवा का समय हो गया है तो अब मैं अपने प्रभु की सेवा में लगता हूँ और आप सब अपने घर की ओर लौटिए। बल बाबा मुझे भी मेरा भविष्य बताइए ना। मुझे नहीं ज्ञात। आपको मेरा भविष्य नहीं ज्ञात किंतु मुझे आपका भविष्य ज्ञात है। और वो क्या है? ये है कि कल आप बरसाना की सभा बुलाएंगे। मैं ऐसा कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं करने वाला हूँ। कहना मैंने कब कहा मेरे लिए करना है? राधा के लिए, राधा की इच्छा पूर्ति के लिए आपको ये करना है। करोगे ना राधा के लिए? बोलो। केवल राधा के लिए कहना। केवल राधा के। अहम ब्रह्मास्मि। वो बाबा कोई सिद्ध पुरुष नहीं अपितु एक ढोंगी था। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसके आने की सूचना राधा ने फैलाई थी। राधा खेल खेल रही है हमसे अयन, वो भी केवल कृष्ण से मिलने के लिए। इतना बड़ा खेल आग से खेल रही हो राधा, जल जाओगी, जल के भस्म हो जाओगी। बलराम क्या हुआ? ये क्या है कृष्ण? वैसे भी सभा बुलाना बड़ों का कार्य है, छोटों का नहीं। हाँ उग्रपद काका, मुझे ज्ञात है, मुझे ज्ञात है मैं बहुत ही छोटा हूँ, किंतु कल रात्रि मेरे मन में एक ऐसा संकल्प आया जो अत्यंत विशाल, और इसीलिए मुझे समस्त बरसाना की आवश्यकता है। कैसा संकल्प कृष्ण? सत्य का संकल्प। सत्य जो ब्रह्मांड है, नारायण जो ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, मैं कृष्ण ब्रह्मांड के संचालन में नारायण की सहायता करते हुए उनका हाथ बटाने के लिए उनका एक हिस्सा बनते हुए सत्य नारायण का व्रत रखना चाहता हूं। दिवाली के इस शुभ त्योहार पर समस्त बरसाना वासियों के साथ एक भव्य सत्य नारायण पूजा का आयोजन करना चाहता हूं। उपास वैसे भी हम सब जिन संकटों से उबरे हैं उसके लिए हम सबको शुभ भाग्य की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण की पूजा करनी ही होगी। एक ऐसा सौभाग्य है इस ब्रह्मांड का कि नारायण स्वयं सत्यनारायण की पूजा करेंगे, संसार को संदेश देंगे कि हर व्यक्ति को स्वयं का महत्व समझना चाहिए। भगवानों की पूजा करना योग्य है किंतु हमारे स्वयं के अंदर के भगवान वो भी पूजा योग्य है। तो ये तेरा इस दिवाली संसार की आज तक की सबसे भव्य सत्यनारायण की पूजा होगी, वो भी हमारे बरसाना में। मेरा मन करता है कि मैं एक बार ही सही कृष्ण होना अनुभव करूं। इस बार सत्यनारायण की पूजा के माध्यम से मैं तुम्हारे कृष्ण होने के अनुभव करने की इच्छा को पूर्ण करूंगा राधे। ये क्या कृष्ण, तुमने तो कहा था कि तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे मैं कृष्ण बन सकूंगी, मेरा जीवन जी सकूंगी, किंतु तुमने तो सत्यनारायण की पूजा की घोषणा कर दी। तुम्हारे साथ में जो कुछ भी करना चाहता हूँ अब करना चाहता हूँ राधा, तो तुम्हारे साथ ये पूजा करना चाहता मैं करूंगा। किंतु उसके लिए तो पूर्ण जीवन है ना हमारे पास, पूजा तो हम कभी भी कर सकते हैं। नहीं राधे, कैसे बताऊं तुम्हें,
तुम्हारे साथ इस जीवन में मेरा साथ अब समाप्त होने ही वाला है। क्यों भय लग रहा है तुम्हें? सबके समक्ष तुम्हारे साथ पूजा करूंगी, मुझे कोई भय नहीं। तुम्हें क्यों भय लगेगा? सारे काम किसको करने पड़ते हैं? मुझे ही करने पड़ते हैं ना। सारा प्रबंध कौन करेगा? मैं ही करूंगा। तुम जो भी चुनौती लो, जो भी करो, सारे कार्य मुझे ही करने पड़ते हैं, तुम्हें क्यों भय लगेगा? तुम क्या कह रहे हो? इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करती हूँ मैं, एक दिन मेरा जीवन जीकर देखो, पता चलेगा मुझसे मिलने भी नहीं आ पाओगे, समझे? रहने दो, इतनी बड़ी बड़ी बातें बना के बोल रही है, एक बार मेरा जीवन जी के देखो, पता चलेगा रोज कितने कांटों के ऊपर से चलना पड़ता है मुझे अपने जीवन में रोज। रहने दो, गोपियों को छेड़ते हो, मुझे सताते हो, बांसुरी बजाते हो, ऐसा कौन सा कठिन कार्य है तुम्हारा? ठीक है, अब ना तुम मेरा जीवन जीना, मैं तुम्हारा जीवन जीऊंगा। तुम मेरे घर पे रहना, मैं तुम्हारे घर पे रहूंगा, देखते हैं कौन पहले हार मानता है। उचित है, मैं सच हूँ, किंतु मैं तुम्हारे घर, तुम मेरे घर रहोगे कैसे? मैं कर दूंगा ना, सदैव की भांति मैं ही तो करता हूँ, बिना माया के करूंगा, देख ले। असंभव, क्योंकि ये तुमने बहुत बड़ी चुनौती दी। देखो, असंभव को संभव करना मेरे दाएं हाथ का खेल है। दाया वो है। हाँ तो बाएं हाथ का वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। अब तुम सज्ज हो जाना राधा, कृष्ण के घर में रहने के लिए। अब सज्ज हो जाना कृष्ण का जीवन जीने के लिए। तो तुम सच में मेरी इच्छा पूर्ण कर रहे हो, मुझे वो दे रहे हो जो मैं चाहती हूँ? तो तुम सबके समक्ष निर्भय होकर मेरे साथ पूजा कर सकती हो? मैं तो इतना कर ही सकता। धन्यवाद, मैं कृष्ण का जीवन जीने के लिए अति उत्सुक हूँ। और मैं राधा का। काना, मैं इस पूजा से अत्यंत प्रसन्न तो अवश्य हूं, किंतु क्या मैं ये जान सकता हूं कि ये सब अचानक क्यों? मैंने आपसे कहा ना दा, बहुत ही शीघ्र हमें बरसाना को सदा सदा के लिए छोड़कर जाना होगा। अब जाने से पूर्व यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को हमें पवित्र कर जाना होगा था, ताकि उनका जीवन आगे सुख से व्यतीत हो सके। काना, तुम ये क्या, ये बार बार क्यों दोहरा रहे हो इस बात को? यही सत्य है धा, समझी? इसलिए सत्यनारायण की पूजा है, ऐसी पूजा जिसमें सत्यनारायण की कथा स्वयं नारायण सुने। जब सभी प्रसाद ग्रहण कर लेंगे, सभी पवित्र हो जाएंगे, तभी हम सुख से यहां से जा पाएंगे। और राधा का क्या काम? क्या अपनी राधा को सदा सदा के लिए छोड़कर जा पाओगे तुम? राधा, राधा स्वयं ही तो मुझे यहां से दूर भेजने वाली है था। नहीं, कदापि नहीं, मैं ये मान ही नहीं सकता काना। राधा स्वयं तुम्हें कभी यहां से जाने देगी ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। मेरा जीवन क्या है जब राधा ये अनुभव करेगी? कृष्ण क्या है जब राधा ये अनुभव करेगी? स्वयं अपने हाथों से मुझे विदा करेगी था, स्वयं मुझे बरसाना से सदा सदा के लिए दूर भेज देगी, ताकि मैं अपना अवतार कार्य पूर्ण कर सकूं। और यही सत्य है।